हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिसाइल के बारे में, जिसमें देखेंगे कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। इससे हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये जो हमारा प्लेलिस्ट है वन डे वन टॉपिक के थ्रू, हम रोजाना एक नया टॉपिक अपलोड करेंगे और आपको नए नए बातें सिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। दोस्तों, आपने एक तोप देखा होगा कि एक तोप यहाँ से जाता हुआ है, जैसा यहाँ पे एक तोप है, ये यहाँ से होते हुए अपने लक्ष्य पे इस तरह से जाता है, ठीक। बैलिस्टिक मिसाइल भी इसी तरह से काम करता है। अर्थात अगर ये आपका पृथ्वी हो गया, बड़ा सा पृथ्वी, ठीक है, और अगर इस स्थान से जाएगा और ये लगभग अंतरिक्ष से होते हुए अपने टारगेट को लेगा, ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देश में भी चला जाता है, यानी अंतरिक्ष की ओर जाते हुए अपने टारगेट को भेजता है, यानी इस तरह से आकृति बनता है, उसको क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। ये मिसाइल जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका अग्नि 3 है, ये भारत द्वारा बनाया है, ठीक है। अग्नि 3 भारत का मिसाइल है, तो बहुत बड़ा मिसाइल है ये। एक तरह से आप रॉकेट की तरह समझ सकते हो कि एक स्थान से जाके सीधे अपने निशाने पे गिरता है, ठीक है। तो ये होता है अग्नि 3 मिसाइल। अब ये किस तरह से काम करता है इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए, 4 तरह के हैं, आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी 1, ठीक है, ये पृथ्वी 2, ये पृथ्वी 3, ये पृथ्वी 4, ये भी पृथ्वी 3 है लेकिन ये PDV है, ठीक है। दोस्तों, अगर बैलिस्टिक मिसाइल को कहें तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी तकनीक पर आधारित होती है जिसमें रॉकेट इंजन मिसाइल को आरंभिक चरण में प्रणोदित करता है और उसके बाद मिसाइल का प्रक्षेपण मार्ग गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्धारित होता है। एक बार ईंधन जल जाने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण मार्ग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि आपने रॉकेट, अगर आप एक धनुष और तीर भी आप देखें हो, एक या एक बंदूक की गोली जब आप चलाते हो तो क्या होता है, वो जाता है, अब उसके मार्ग को बदल नहीं सकते, वो अपने निशाने पर ही लगेगा। तो ये होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये आपका पृथ्वी हो गया, तो बहुत सारे मिसाइल हैं, जैसे कि आपका अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो देखिए, आपका बैलिस्टिक मिसाइल आपको चित्र में दिख रहा होगा, अगर इसको मैं जूम यानी अगर आपको अच्छे से दिखाना चाहूँ तो आप देखिए, ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, PDF है, ठीक है। मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक में, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखते हैं काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपका एंटीना है, ठीक है, एंटीना लगा हुआ है नीचे नीचे। तो सबसे पहले ये आपका स्टार्ट टेबल है, ठीक है, लेकिन ये सबसे नीचे आपका एंटीना है। ये आपका एंटीना के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये किस स्थान पे गिरेगा और इसका दूरी क्या है, एवरेज एक कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहाँ पे एक इंजिन भी लगा होता है, देखिए, एक यहाँ पे इंजिन है, इसके माध्यम से होता है यहाँ पे प्रक्षेपण, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूल लाइन है। फ्यूल लाइन के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये थ्रस्ट स्टैंड है, ठीक है, यानी प्रक्षेपण के लिए ये आपका है, और साथ ही साथ माफ कीजिए, ये प्रणेदक है, ठीक है, ये प्रणेदक के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये आपका टैंक है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये टैंक फ्यूल टैंक है, ये भी आपका एक टैंक ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन इसमें भरा हुआ है, और ये भी आपका इस तरह से एक टैंक, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका, ये आपका कंट्रोल रूम है, ठीक है, ये आपका कंट्रोल रूम है और यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो जा के फटेगा ना, वहाँ पे विध्वंस करेगा, तो यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, जो भी है ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे गिरेगा उस आसपास का एरिया भी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वार हेड है, ठीक है, वार हेड मतलब की होता है ये आपका हथियार, ठीक है, और ये इग्निटर यानी ये इस तरह से ये आग लगाने वाला है, यहाँ पे ये सामने आग लगाने वाला है, और ये सेंट्रल ट्यूब है जो कि यहाँ से आग लगाने के लिए इस तरह से फ्यूल में आया हुआ है, ठीक है, और ये आपका कक्ष है नियंत्रण, यहाँ पे आपका एंटीना और इस तरह से नियंत्रण होता है कि किस दिशा में मतलब कैसे जाता है, ठीक है, यानी एक तरह से नियंत्रण यहाँ से होता है। तो ये हमने एक सामान्य ज्ञान के तौर पे इसको देख लिया कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से काम करता है। तो ये जो काम करता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया गोली की तरह, ठीक है, एक आप बंदूक चलाते हो, अगर आप तीर धनुष बचपन में खेले होंगे, या तो एक मिसाइल या तो एक तोप, जैसे कि तोप क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो ठीक इसी तरह ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।
ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण में इसका प्रभाव पड़ता है और ये अपने निशाने पर जाके भेजता है। तो इसके लिए टारगेट पहले से निश्चित करना पड़ता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक 200 किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर भी गिरता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अंतरिक्ष से होते हुए जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं मिसाइल, अब देखते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि ये एक आप हवाई जहाज देखे होंगे तो ये हवाई जहाज ही है समझिए, यानी ये हवाई जहाज की तरह ये इस तरह से जाता है, वो अपनी दिशा को बदलते हुए जाता है और अपने स्थान पे जो कि आपका जो तय स्थान है वहाँ पे गिरता है, यानी आपको इसके जाते समय आप अपना निशाना तय कर सकते हैं, अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर हवाई जहाज लूँ तो ये एक तरह से हवाई जहाज समझे, लेकिन ये मिसाइल है, ठीक है, जहाँ भी गिरेगा वहाँ पे विध्वंस कर देगा। तो ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए एक अब तरह यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, ये है आपका क्रूज मिसाइल। तो इसमें होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि यह क्रूज मिसाइल जो होता है पायलट रहित, यानी इसमें कोई चालक तो होता ही नहीं है, ये स्वचालित होता है, लेकिन ये निर्देशित होता है, ठीक है। इसको आप निर्देश दे सकते हो, यहाँ पे देखिए एक GPS लगा हुआ है, GPS के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये कहाँ पे जा रहा है, एंटीना के माध्यम से यहाँ पे फ्यूल टैंक है, ठीक है। ये आपका इन्फ्रेड कैमरा सामने लगा हुआ है, आपका कैमरा लगा हुआ है कि आप पता कर सकते हो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और इसको अपने अनुसार इच्छा अनुसार गिरा सकते हो। एक तरह से एरोप्लेन जैसा ही आप जहाँ चाहो वहाँ पे इसको ले जाके गिरवा सकते हो, ठीक है। ये इसके पंख हैं, ये आपका जेट इंजिन है, ये आपका हथियार यहाँ पे है, ठीक है, बीच में। तो इसका जो रेंज होता है वो 1000 मील से भी अधिक होता है, वजन लगभग बहुत ज़्यादा 1361 किलोग्राम तक भी होता है, हालांकि ये बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा सा हल्का होता है। अब देखिए जो लेंथ इसका लंबाई लगभग 20.5 फीट यानी 6.2 मीटर है, ठीक है। और जो इसका स्पीड होता है वो लगभग 550 mph, ठीक है। ये होता है आपका क्रूज मिसाइल, काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। बैलिस्टिक में क्या होता था कि वो एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर गिर जाता था, लेकिन ये तो पूरी तरह हवाई जहाज ही, आपका क्रूज मिसाइल है, हवाई जहाज की तरह जाएगा और अपने अनुसार लक्ष्य को भेद पाएगा, ठीक है। आगे इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ये उन्नत किस्म का है, और अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मिसाइल हैं इसमें, जैसे कि ब्रह्मोस, ठीक है, आगे इस विषय में चर्चा करेंगे। ये देखिए आपका ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, और ये पराध्वनिक क्रूज मिसाइल यानी ध्वनि की गति से ही चलता है, उतना स्पीड होता है ये, वह अब तक की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। ये सबसे आधुनिक है और जिसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है। इसकी गति और सटीकता के कारण ब्रह्मोस को सबसे दूर जे क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। 12 फरवरी 1998 को भारत में DRDO और रूस के NPO मसिनोस्ट्रोनिया के बीच एक समझौता के तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन किया गया था। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, याद कीजिए, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मोस और जो आपका रूस की जो एक मस्कवा रिवर है, ठीक है, नदी है, उसी दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मोस रखा गया है। इस संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य था विश्व में सबसे पहले सुपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करना और वाणिज्यिक लाभ लेना, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखते हैं जो क्रूज मिसाइल होते हैं, क्योंकि अभी उन्नत तकनीक से बना हुआ है, ज़्यादातर अभी इसी का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो क्रूज मिसाइल होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सबसोनिक, यानी ये गति के आधार पे ये होता है कि ये जो होता है सबसोनिक ज़्यादा गति नहीं कर पाता है, यानी कम दूरी तय करता है। सुपरसोनिक भी उससे ज़्यादा दूरी तय करता है, और ये जो हाइपरसोनिक सबसे ज़्यादा दूरी और सबसे ज़्यादा गति से तय करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ये निर्भय, ये क्या है, क्रूज मिसाइल है, भारत द्वारा है, ठीक है, भारत का क्रूज मिसाइल निर्भय है। वैसे तो बहुत सारे मिसाइल हैं भारत के, तो ये आपका एक निर्भय है। ये क्या है आपका, ये जो मिसाइल है आपका सबसोनिक मिसाइल है, ठीक है, ये सबसोनिक मिसाइल है, यानी इसका जो स्पीड होता है वो थोड़ा कम होता है, ये आपका सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के सापेक्ष में, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से आपका, देखें यहाँ पे ये आपका मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक जो सुपर सबसोनिक मिसाइल है आपका सबसोनिक मिसाइल हो गया। तो ये आप स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए, अब देखते हैं सुपरसोनिक के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल देखा, ठीक है, ये क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जो ब्रह्मोस है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है आपका सुपरसोनिक मिसाइल है, और अगर ये इसका स्पीड देखें तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है इसका,
और स्पीड के आधार पर लगभग ये जो सुपरसोनिक होता है 1 मैक से अधिक लेकिन 3 मैक से कम होता है। अब मैक क्या होता है, तो देखिए जो मैक होता है वो गति का एक मापक होता है पैरामीटर में, मतलब कि लगभग कि 1195 किलोमीटर प्रति घंटा, याद कीजिए 1195, बहुत ज़्यादा होता है 1195 किलोमीटर, वो भी एक घंटे में उतना दूरी तय करता है, उसको 1 मैक बोलते हैं। तो इसका जो स्पीड होता है वो 1 मैक से अधिक होता है, यानी 1195 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा स्पीड से ये दागा जाता है, और लेकिन ये 3 मैक से कम होता है, ठीक है। लेकिन जो हाइपरसोनिक होता है ये आपका हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 है, याद कीजिए आपका ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसका 3 मैक से ज़्यादा होता है, ठीक है, माफ कीजिए 5 मैक से ज़्यादा होता है स्पीड, 5 मैक से ज़्यादा, मतलब कि जो 1 मैक होता है वो क्या होता है 1195 किलोमीटर चलता है, वो भी एक घंटे में। लेकिन ये आपका जो ब्रह्मोस 2 है ये भी आपका रूस और चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये होता है आपका 5 मैक से भी अधिक स्पीड से होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड, कितना विध्वंसकारी होगा, ठीक है। ये अभी सबसे ज़्यादा उन्नत किस्म का मिसाइल है। आगे देखते हैं ये हाइपरसोनिक हो गया, आप देखते हैं कि ये जो लेजर, आप देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट होता है दोनों में। तो देखिए ये आपका एक लंच साइट है, ठीक है, मतलब जहाँ से दागा जाता है मिसाइल, और ये आपका टारगेट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे जैसे अगर ये दूसरे देश का कोई जैसे आतंकवादी क्षेत्र इसको नष्ट करना है तो ये एक जगह हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक मैंने बैलिस्टिक मिसाइल आपको बताया था, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो क्या होता है, अंतरिक्ष से होते हुए, ये अंतरिक्ष से होते हुए आपका अपने निशाने पे गिरता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, ये देखिए आपका ये जो आपका वायुमंडल है, देखिए आपका ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई से होते हुए जाके पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके गिरता है, और ये इस तरह से आकृति बनाता है, ये होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। लेकिन जो हाइपरसोनिक या जो आपका सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होता है वो क्या होता है, अपने स्थान से जैसे कि एरोप्लेन जैसा ये चलते हुए अपने स्थान पर, ये देखिए अपने स्थान पर जाता है, ये अपने तरह अपने स्थान पर जा रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, मतलब कि ये और दूसरा कुछ समझाना है आपको, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको इसको पहले भी समझा दिया था। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इसमें एक रडार होता है, ठीक है, जो भी देश होता है या जो भी दुश्मन अगर कोई है तो अपना क्या करते हैं, एक रडार यहाँ पे स्थापित कर दिया, आपका रडार हो गया, ठीक है, ये डिटेक्टेड बाय रडार है। तो जैसे कि ये रडार क्या करता है, यहाँ पे जितने भी जैसे अगर कोई भी वस्तु या कोई भी मिसाइल अपने देश में आ रहा है, ठीक है, तो ये रडार के माध्यम से पता करते हैं कि वो मिसाइल कितना दूर है, और उसको नष्ट करने के लिए फिर से यहाँ से मिसाइल दागा जाता है, तो वो क्या होगा, वो ऊपर आसमान में वो नष्ट हो जाएगा मिसाइल। तो ये रडार है, ये क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र को कवर करेगा, ठीक है, ये वाला पूरे क्षेत्र को ये कवर करेगा। रडार अगर इस तरह से होता है, आपको दिखाना चाहते हो आपका नीचे देखिए, इस तरह से एंटीना लगा होता है और इसके माध्यम से रडार का पता चलता है कि रडार के माध्यम से कौन सा चीज़ हमारे निकट आ रहा है और कितनी दूरी, हजारों किलोमीटर की दूरी में होने पे भी वो पता चलता है कि हाँ ये उतने किलोमीटर की दूरी में है और ये हमारी तरफ आ रहा है, तो उसके लिए पहले सचेत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो देखिए जब बैलिस्टिक मिसाइल आएगा तो क्या होगा, ये रडार यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे उसका पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे रडार आ गया, रडार के क्षेत्र में आ गया, तो क्या कर गया ये सबसे पहले तो अपना सुरक्षा विकसित करेगा और उसको ऊपर में ही नष्ट करने का सोचेगा और उसको ऊपर में ही आसमान में उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो यह आपका बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन अगर आप क्रूज मिसाइल का बात करो तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक देखिए नीचे से एरोप्लेन जैसा अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते हुए क्या करेगा, आपके ठिकानों पे आएगा। तो ये आपका क्या होता है, रडार के क्षेत्र में नहीं आ पाता, यानी रडार के पकड़ में नहीं आ पाता है और डायरेक्टली जहाँ पे निशाना होता है वहाँ पे हमला कर देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, रडार भी इसे कैच नहीं कर पाता है इस हाइपरसोनिक मशीन, ये जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल हो गया या तो ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस 2, इस मिसाइल को क्या करता है, रडार भी उसको नहीं कर पाता है, उसको रडार भी उसको देख नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आपका ये रडार वाला क्षेत्र हो गया, ये पूरा रडार देखेगा इस तरह से आपको दिखता है, यहाँ पे देखिए रडार के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा कहाँ पे है। अब देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से प्रहार करता है, तो देखिए ये बड़ा सा जगह हो गया, ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से दागा जाता है और ये जाते हुए अपने निशाने पर ये यहाँ पे अपना निशाना बना लेता है, ये तरह से ब्रह्मोस होता है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंट दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं,
आप तो सबसे पहले स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वन डे वन टॉपिक के थ्रू हम रोज ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक भी कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप में आसानी से आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो फिर आप सोच लीजिए क्या करना है, ठीक है। आप चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं अगर अच्छा ना लगा हो तो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब अपने दोस्तों को शेयर करें तो उनको भी कुछ फायदा होगा, उनको भी कुछ पता चलेगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।